भारत और कनाडा के संबंध अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए हैं। कनाडा भारत पर यह आरोप लगा रहा है कि भारतीय अधिकारी या भारत सरकार के अधिकारी उसके नागरिकों की हत्या कर रहे हैं और इस मामले में अब तक भारत सरकार खामोश है। न विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई बयान आया है, न रक्षा मंत्रालय की तरफ से एस जयशंकर का कोई बयान नहीं आया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं, मगर मेरी सरकार या ये कहा जाए भारतीय जनता पार्टी तो देश के साथ खड़ी हो। अमरीका, कॉमनवेल्थ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब के सब कनाडा के साथ खड़े हैं। और क्या दावा किया जाता है कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु बन गया है। ये तमाम देश इस वक्त कनाडा के साथ खड़े हैं। समझना चाहता हूं कि भारत इस मुद्दे पर खामोश क्यों है। अमरीकी सरकार यह आरोप लगाती है कि जो खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू है उसकी जो हत्या की साजिश है उसमें भारत शामिल है। भारत के मीडिया में गिनती के चंद नाम ऐसे हैं जिन्हें आप सहाफी करार दे सकते हैं, बाकी तो सारे चमचे हैं नरेंद्र मोदी के और भारतीयों ने खुद ही यानी भारतीय अवाम ने उन लोगों का नाम गोदी मीडिया का एंकर रखा है, यानी नरेंद्र मोदी की गोद में बैठकर सहाफत करने वाले। और वो जो गिने चुने चंद सहाफी हैं उनमें से एक नाम है अभिसार शर्मा का, जो कि इस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार पर शदीद भड़के हुए हैं क्योंकि भारत की सलामती का सवाल है। जाहिर है हर एक जो किसी मुल्क का शहरी होता है वो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, उसकी मट्टी से प्यार होता है, तो अभिसार शर्मा भी इस वक्त शदीद गुस्से में है और नरेंद्र मोदी सरकार उनका प्राइम टारगेट है। वजह क्या है? पांच ममालिक ने खुलकर एक ग्रोह बनाया हुआ है भारत के खिलाफ और ये कह रहा है कि उसने कनाडा की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया है, वहां पर उसके मुल्क में दखल अंदाजी करके अपने सफारतकारों और खुफिया एजेंसी के थ्रू वहां पर लोगों का कत्ल करता है वो जो कनाडा के शहरी हैं। और सलाम है कनाडा को कि वो एक शख्स जो कि भारतीय पंजाब से उठ कर कनाडा जाता है, वहां पर फिर वो उसकी शहरियत लेता है, लेकिन उसके हकूक का इतना ख्याल रखा जाता है कि जब वो कत्ल होता है तो एक पूरे मुल्क के साथ अपने सफारती ताल्लुकात दाव पर लगाए जाते हैं, उसके सफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया जाता है। लेकिन हमारे पड़ोसी इस पर बिल्कुल खामोश हैं, गोदी मीडिया मुकम्मल तौर पर साइलेंट मोड पर लगा हुआ है। सिर्फ चंद गिनती के सहाफी जिनमें रवीश कुमार हों, अभिसार शर्मा हों, या वो जो आजाद सहाफी कहलाते हैं जिनका गोदी मीडिया से ताल्लुक नहीं या वो जो नरेंद्र मोदी के पेरोल पर नहीं, वही बात करते दिखाई देते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। किस तरह बेइज्जती हो रही है इंटरनेशनल सतह पर भारत की, अमेरिका ने जो वार्निंग दी, यूनाइटेड किंगडम ने जो कॉल करके जस्टिन ट्रूडो को ये कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, भारत ने अगर पंगा लिया तो हम उसे देख लेंगे, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी ऐसा ही बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के ना तो फॉरेन अफेयर्स के मंत्री यानी एस जे शंकर साहब कुछ बोलते दिखाई दे रहे हैं और ना ही नरेंद्र मोदी सरकार की फॉरेन मिनिस्ट्री का कोई एक भी ऐसा एहलकार है जो मीडिया पर आकर ये कहे कि हमें वार्निंग ना दो, हमें धमकियां ना लगाओ, जबकि मीडिया सिर्फ लगा हुआ है कनाडा के पीछे कि हम तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे। अमेरिका और यूके के बारे में उनकी जुबान बंद है क्योंकि उन्हें पता है कि ये तो उनका बाप है, अमेरिका के साथ पंगा लिया तो वो छोड़ेगा नहीं। ये सिचुएशन बनी हुई है उस सॉवरन कंट्री की, उस आत्मनिर्भर भारत की, जिसका प्राइम मिनिस्टर लाल किले पर खड़े होकर ये कहता दिखाई दिया कि भारत इस वक्त दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है और हमने अपने दुश्मन यानी पाकिस्तान की तरफ इशारा करके कहा था कि उसे दुनिया भर में आइसोलेट कर दिया है। और आइसोलेट कौन है? भारत के हमसाये देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, नेपाल देख लीजिए, पाकिस्तान और चाइना को तो छोड़िए ही, वो ममालिक जो कद में बिल्कुल छोटे से हैं, जिनकी ना कोई स्ट्रेंथ है ना कोई फौज है, हत्ता के भूटान तक भारत को धमकियां लगाता है। तो ये तो कुल औकात है नरेंद्र मोदी के उस भारत की जो पंगे लेने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान और चाइना के साथ और ये कह रहा है कि पाकिस्तान और चाइना ने 2 फ्रंट वार हमारे लिए खोल रखा है, बल्कि 0.5 फ्रंट वार उसने भारत में बसने वाले मुसलमानों को करार दिया है अपने खिलाफ। और ये सिचुएशन है अब कि अमरीका और बर्तानिया धमकियां लगा रहे हैं और उनकी बोलती बंद हुई हुई है। क्या कहा अभिसार शर्मा ने, जरा इस वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और उन लोगों के लिए भी पैगाम है जो पाकिस्तान में बैठकर भारत को दुनिया की सुपर पावर करार देते हैं और ये कह रहे हैं कि भारत हमसे बहुत आगे निकल चुका है। जरा इस वीडियो में कितना आगे निकल चुका है वो भी जरा मुलाहिजा कर लीजिए। भारत और कनाडा के संबंध अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए हैं। कनाडा भारत पर यह आरोप लगा रहा है कि भारतीय अधिकारी या भारत सरकार के अधिकारी उसके नागरिकों की हत्या कर रहे हैं और इस मामले में अब तक भारत सरकार खामोश है। न विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई बयान आया है, न रक्षा मंत्रालय की तरफ से, ना ही गृह मंत्रालय की तरफ से कोई बयान आया। दुख की बात यह है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान तो जा सकते हैं, मगर यह मामला जो लगातार गंभीर होता जा रहा है इस पर विदेश मंत्रालय पूरी तरह से खामोश है। एस जयशंकर का कोई बयान नहीं आया है।
इस वक्त मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि भारत और कनाडा के बीच में जो तनाव चल रहा है, अमेरिका, कॉमनवेल्थ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब के सब कनाडा के साथ खड़े हैं। और क्या दावा किया जाता है कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु बन गया है। ये तमाम देश इस वक्त कनाडा के साथ खड़े हैं। कनाडा जो आरोप लगा रहा है उसे सही ठहरा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं, मगर मेरी सरकार या ये कहा जाए भारतीय जनता पार्टी तो देश के साथ खड़ी हो। विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई बयान नहीं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कनाडा ने यह आरोप लगाया था कि भारतीय दूतावास के एक वरिष्ठ अधिकारी सीधे तौर में शामिल थे हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में। कौन निज्जर दोस्तों? 2016 में यह खालिस्तानी आतंकवादी जो है वो इंटरपोल में मोस्ट वांटेड था। इस पर आरोप था कि इसने पंजाब की एक सिनेमा में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया। कनाडा ने इसे शह दी, यह कनाडा का नागरिक बन गया। और अब निज्जर की हत्या को लेकर तार जुड़ रहे हैं बिश्नोई गुट के साथ, यानी लॉरेंस बिश्नोई के साथ। अब इस मामले में पूरी दुनिया जो है वो कनाडा के साथ खड़ी हुई है। मैं समझना चाहता हूं कि भारत इस मुद्दे पर खामोश क्यों है, भारत अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहा है। उल्टा सबसे शॉकिंग क्या है दोस्तों, अमरीकी सरकार यह आरोप लगाती है कि जो खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू है उसकी जो हत्या की साजिश है उसमें भारत शामिल है। 15 अक्टूबर भारत एक दल वॉशिंगटन रवाना कर रहा है। भारत यह भी मान रहा है कि इसमें से एक व्यक्ति जिसे CC1 बताया जा रहा है वो इस हत्या की साजिश में शामिल हो सकता है। यानी कि जो आरोप अमेरिका लगा रहा है उसको लेकर भारत अपनी रजामंदी दिखला रहा है। सबसे शॉकिंग, कनाडा वाले मुद्दे में पूरी दुनिया जो है इस वक्त कनाडा के साथ खड़ी हुई है, भारत के साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है मैथ्यू मिलर, उन्होंने एक प्रेस वार्ता में कहा कि कनाडा की ओर से लगाए गए आरोप गंभीर है और हम चाहते हैं कि भारत इन्हें गंभीरता से ले और सहयोग करे, लेकिन उन्होंने वैकल्पिक रास्ता चुना है। एस जयशंकर खामोश हैं, देश के गृह मंत्री खामोश हैं, प्रधानमंत्री खामोश हैं। अपने देश की जनता को गाली देना इनके लिए आसान है, उन्हें देशद्रोही बताना आसान है, मगर यहां पर अमेरिका कनाडा के साथ खड़ा हुआ है। सुनिए मैथ्यू मिलर क्या कह रहे हैं। I know you put up a statement yesterday about the Indian Inquiry Commission having a representative come here. It was exactly the same time, basically, that you put this out, that that the allegations came in Canada. Do you have any do you have any general thoughts on India-Canada round two about what's taking place? First of all, I'd say that the timing of those was completely coincidental. When it comes to the Canadian matter, we have made clear that the allegations are extremely serious, and they need to be taken seriously. And we wanted to see the government of India cooperate with Canada in its investigation. Obviously, they have not. वीडियो आपने मुलायजा देखी, अभिसार शर्मा की जुबानी आपने सुना कि भारत के हालात क्या हुए हैं और किस तरह वो अकेला पड़ चुका है, डिस्पाइट के भारत का प्रधानमंत्री ये दावे करता है कि हम दुनिया की सुपर पावर बन रहे हैं। इस बारे में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोज मिलती रहें, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा।